वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे मैं तमाम स्टूडेंट्स को और कम्युनिटी मेंबर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो एनवायरनमेंट है ये हमारा एक शेयर्ड रिसोर्स है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन की एग्जिस्टेंस के लिए ये इंतहाई है, अहम है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें। हम ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें जहां एक सस्टेनेबल फ्यूचर की गारंटी दी जा सके, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी इस वर्ल्ड को, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको उसी तरह एंजॉय कर सकें जैसे हमें मौका मिला है। इस मौके पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से मल्टीपल इनिशिएटिव्स इन प्रोग्रेस हैं, जिनमें न सिर्फ क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के तहत प्लांटेशन के इनिशिएटिव्स हैं, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है, 2.5 मेगावाट का सोलर पावर पार्क कंप्लीशन के मराहल में, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की सिंडिकेट ने एज अ पॉलिसी मैटर ग्रीन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। इस ग्रीन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत हम अपनी तमाम प्रैक्टिसेस को रिवाइज कर रहे हैं ताकि उनके अंदर इको फ्रेंडलीनेस लाई जा सके, हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन को पर स्टूडेंट पर कैपिटा मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जीज अडॉप्ट कर रहे हैं, हम स्केर्स वाटर रिसोर्सेज के जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ है उसकी तरफ जा रहे हैं, चाहे ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए हो, चाहे इरीगेशन पर्पजेज के लिए हो, हम ऐसी प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हैं कि जहाँ वाटर का मिनिमम इस्तेमाल हो, वाटर कंजर्व किया जा सके। उसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर अपने सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए एक सेटअप डेवलप कर रही है, जिसके तहत हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़ीरो हो जाएगा, हमारा तमाम तर सीवरेज जो है वो ट्रीट होके उसका जो वाटर कंपोनेंट है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ हो सकेगा, और उसके दीगर जो कंटेंट्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करके एज फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाएगा। तो मैं एक दफ़ा फिर रीइटरेट करना चाहता हूँ कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के तमाम स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ खुद एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, बल्कि एक अवेयरनेस सोसाइटी में स्प्रेड करें कि इको फ्रेंडलीनेस जो है वो एक हमारी कोर वैल्यू के तौर पर सामने आए